नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज की एक और खास खबर में। जैसे जैसे वर्तमान डीजीपी अशोक कुमार का कार्यकाल समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे आईपीएस अधिकारियों के डीजीपी बनने की लॉबिंग भी शुरू हो गई है। अब तक ये माना जा रहा था कि डीजीपी अशोक कुमार को एक्सटेंशन मिल सकता है, लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे उनके एक्सटेंशन का सपना टूट सकता है। बता दें कि किसी भी राज्य के पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी बनने के लिए आईपीएस अधिकारी का सेवाकाल कम से कम 30 साल का होना चाहिए था। इसी मानक के आधार पर अशोक कुमार पुलिस महानिदेशक बने थे, लेकिन अब खबर है कि इस नियम को बदल दिया गया है। बदलाव के बाद 30 साल की व्यवस्था को बदलते हुए आयोग ने इसे 25 साल करने का फैसला लिया है। खास बात यह है कि उत्तराखंड में फिलहाल 30 साल की सेवा पूरा करने वाला कोई भी आईपीएस अफसर मौजूद नहीं है। वहीं संघ लोक सेवा आयोग इसके अलावा एडीजी यानी कि लेवल 15 पर तैनात आईपीएस अधिकारियों को भी पुलिस महानिदेशक का पद दिए जाने की व्यवस्था कर रहा है। यूपीएससी द्वारा नई व्यवस्था लागू करने के बाद भी पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार के सेवा विस्तार की संभावना बनी हुई है। ऐसे में अब इस कतार में कई दूसरे अधिकारी भी शामिल हो गए हैं और इस नई व्यवस्था को लागू होने के बाद राज्य से बाहर के कैडर वाले किसी सीनियर आईपीएस अधिकारी को भी पुलिस महानिदेशक पद के लिए ले जाने की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब नई व्यवस्था के बाद उत्तराखंड कैडर के ही आईपीएस अधिकारी इसके लिए एलिजिबल हो गए हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।